हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवाइजर ग्रुप इंडिया में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज ESIC के एक नए टॉपिक के बारे में हम आपसे बात करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि अभी ESIC में कुछ चेंजेस किए गए थे। वे चेंजेस आखिर क्या है? देखिए, ESIC में आपके लिए चेंजेस किया गया था डिपार्टमेंट के जरिए कि अगर आपके यहाँ कोई नया इम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो उसे आपको विद इन 10 डेज के अंदर अंदर ESIC में रजिस्टर्ड करना होता है। और अगर आप विद इन 10 डेज के अंदर उसको रजिस्टर्ड नहीं करते हैं और 10 डेज की जो लिमिट है वो क्रॉस करने के बाद में आप ESIC पर उसको रजिस्टर्ड करते हैं तो उस केस में आपको डिपार्टमेंट शो कॉज नोटिस इश्यू करता है, जिसमें आपको ये बताना पड़ता है कि भाई हम विद इन 10 डेज इस इम्प्लॉय को रजिस्टर्ड क्यों नहीं कर पाए। आपको वो शो कॉज नोटिस कहाँ देखने के लिए मिलेगा ESIC में, और आपको कौन सा फॉर्म डाउनलोड करके उसको डिपार्टमेंट में सबमिट करना है, और उसके साथ साथ ESIC में उस इम्प्लॉय के जिसको आपने 10 डेज के बाद में रजिस्टर्ड किया है ESIC में, उसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उस फॉर्म के साथ में आपको सबमिट करने पड़ेंगे। तो आज ESIC में हम आपको यही सब बताने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप सबको जानना है कि अगर आप अपने इम्प्लॉय को 10 डेज के बाद में ESIC में रजिस्टर्ड करते हैं, जो कि नॉर्मली केस में देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि इम्प्लॉयर को अभी इन चीजों के बारे में अच्छी तरीके से वे अवेयर नहीं हुए हैं, क्योंकि ये जो ESIC में चेंज आया है ये अभी रिसेंटली आया है। तो अब इसमें यहाँ पर आपको शो कॉज नोटिस देखने के लिए कहाँ पर मिलेगा और आपको कौन सा फॉर्म डाउनलोड करना है उसको रिप्लाई करने के लिए, तो सबसे पहले आपको जैसे हमारे ESIC का डैशबोर्ड आपको नजर आ रहा है, आपको अपने गूगल ब्राउजर में आना है, www.esic.in पर जाना है। उसके बाद आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस नजर आएगा। उसके बाद में आपको क्लिक हेयर टू लॉगिन पर क्लिक कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपको अपना ESIC का जो यूजर नेम होता है वे यहाँ पर आपको एंटर करना है, और उसके बाद में पासवर्ड और देन कैप्चा। बस यहाँ पर ध्यान आपको ये रखना है, जो कैप्चा यहाँ पर एंटर किया जाता है वो सभी स्मॉल लेटर में होता है। उसके बाद में लॉगिन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप ESIC के डैशबोर्ड पर लॉगिन कर चुके होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने लॉगिन पर क्लिक किया और हम ESIC के डैशबोर्ड पर लॉगिन कर चुके हैं। आपको यहां पर इसको कैंसिल करना है, और उसके बाद में यह आपको ID डुप्लीकेशंस के बारे में कुछ नोटिस दे रहा है, उसके बाद में इसको क्लोज करना है, फिर नोटिस को यहां पर क्लोज करना है। इसके बाद में देखिए इंपॉर्टेंट मैसेज, ये वही मैसेज था जहां पर आपको बताया गया था कि आपको अपने नए इम्प्लॉय को विद इन 10 डेज ESIC में रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको शो कॉज नोटिस इश्यू किया जाएगा। इस पर हम एग्री पर क्लिक करते हैं। तो यहां पर देखिए आपको 3 टैब देखने के लिए मिलती है, पहली इंप्लॉयर की, दूसरा इंप्लॉय, और यहां पर आप अपनी कंप्लायंस जैसे मंथली कंट्रीब्यूशंस वगैरह फाइल करते हैं आप अपने इंप्लॉय का, वे यहां पर तीसरे टैब में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन आपको आना है इंप्लॉय के केस में, यहां पर इंप्लॉय टैब में आएंगे तो उसके नीचे आपको सबसे नीचे नोटिफिकेशंस यहां पर नजर आ रहा है, नोटिफिकेशंस पर क्लिक करना है। जैसे आप नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहां पर आने के बाद में आपको 2 टैब नजर आ रही है। यहां पर सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलता है लेट IP रजिस्ट्रेशन स्टेटस नोटिफिकेशंस। तो यहां पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको अगर डिपार्टमेंट ने किसी इंप्लॉय के अगेंस्ट में शो कॉज नोटिस इश्यू किया है, आपने किसी नए इंप्लॉय को अपने ESIC में रजिस्टर्ड तो किया है बट उसके अपॉइंटमेंट के 10 दिन के बाद में आपने रजिस्टर्ड किया है, तो उससे रिलेटेड आपको शो कॉज नोटिस यहां पर मिल जाएगा। यहां पर आपको देखने के लिए मिल रहा है लेट IP रजिस्ट्रेशन स्टेटस नोटिफिकेशन, और दूसरा आपको नोटिस इश्यूड के केस में देखने के लिए मिल जाएगा। जब भी आप यहां पर इस स्टेप पर आते हैं तो सबसे पहले आप नोटिस इश्यूड पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको डिपार्टमेंट ने और कोई नोटिस तो इश्यू नहीं किया है किसी आपकी कंप्लेंट से रिलेटेड। तो हम सबसे पहले यही चेक कर लेते हैं कि कोई नोटिस इश्यूड तो नहीं हुआ है, तो हम नोटिस इश्यूड पर क्लिक करते हैं। उसके बाद में देखिए हमारे लिए डिपार्टमेंट ने कोई भी ऐसा नोटिस इश्यू नहीं किया जो हमारी कंप्लेंट से रिलेटेड था, यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा नो रिकॉर्ड्स टू डिस्प्ले, कोई हमारे पास में ऐसा नोटिस डिपार्टमेंट ने इश्यू नहीं किया है। हम इसको क्लोज करते हैं और अपने फिर से नोटिफिकेशंस पर आएंगे, और नोटिफिकेशंस पर आने के बाद अब हम सबसे पहले जो टैब है अब हम चेक कर लेते हैं कि हमने किसी इंप्लॉय को उसके अपॉइंटमेंट के 10 दिन के बाद में तो ESIC में रजिस्टर्ड नहीं किया, जिसके लिए डिपार्टमेंट ने हमें कोई शो कॉज नोटिस तो नहीं इश्यू कर रखा है। तो उसके लिए हम सबसे पहले टैब पर क्लिक करेंगे।
जैसे आप यहाँ पर टैप पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमें एक आईपी ऐसा नजर आ रहा है जिसको हमने 10 दिन के बाद में रजिस्टर्ड किया था ईएसआईसी में। उसके लिए डिपार्टमेंट ने हमारे से शो कॉज नोटिस इश्यू किया है और ये पूछा है कि आपने इसको 10 दिन के बाद में क्यों रजिस्टर्ड किया है, आप आखिर क्या वजह रही है। तो देखिए यहाँ पर उस आईपी का आपको इंश्योरेंस नंबर मिल जाएगा जो कि आपने उसको रजिस्टर्ड करते हुए आईपी उसका जनरेट किया था। यहाँ पर आईपी का नेम मिल जाएगा और यहाँ पर उसके फादर का नाम मिल जाएगा और उसकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, अपॉइंटमेंट डेट मिल जाएंगी, स्टेटस पेंडिंग आ रहा है क्योंकि अभी हमने इसका रिप्लाई नहीं किया है और उसके बाद में SCN फॉर्म जो है वे देखने के लिए मिल जाएगा। आपको सिंपल करना क्या है, सबसे पहले तो देखिए SCN फॉर्म आपको डाउनलोड करना है जिससे कि आपको उस शो कॉज नोटिस को पढ़ने के लिए मिल जाएगा और उसके बाद में आप उस नोटिस को पढ़ लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर क्लिक हियर टू डाउनलोड डिक्लेरेशंस फॉर्म को डाउनलोड करके उसे डॉक्यूमेंट्स के साथ में, आईपी के डॉक्यूमेंट्स के साथ में जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट की जाएगी डिपार्टमेंट से, उस फॉर्म के साथ में आपको अटैच करके डिपार्टमेंट में सबमिट कर देना है। तो सबसे पहले तो हम नोटिस देख लेते हैं कि यहाँ पर नोटिस आखिर हमें क्या बताया गया, इसको आप पीडीएफ के फॉर्म में ओपन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने अपने नोटिस को पीडीएफ की फॉर्म में ओपन कर लिया है। तो देखिए जैसा आपको हमारी स्क्रीन पर देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर आपको इस नोटिस में सबसे ऊपर हेडिंग मिलेगी एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसके बाद में यहाँ पर एड्रेस मिल जाएगा जिस भी सेक्टर में आप रजिस्टर्ड होंगे ईएसआईसी के। उसके बाद में यहाँ पर आपको आपका ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन नंबर देखने के लिए मिल जाएगा, आपकी यूनिट पर कौन सा ईएसआईसी एप्लीकेबल होता है। इसके बाद में डिस्टिल असेसमेंट एलपी जो कि हमारी कंपनी है उसका नाम देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको शो कॉज नोटिस फॉर लेट रजिस्ट्रेशन ऑफ इम्प्लॉइज, यहाँ पर सब्जेक्ट मिल जाएगा देखने के लिए। तो सब्जेक्ट हमारा ये रहने वाला है कि हमारा कोई इम्प्लॉय जिसको हमने 10 दिन के बाद में ईएसआईसी में रजिस्टर्ड किया है तो उसके लिए शो कॉज नोटिस इश्यू किया गया है। अब इस नोटिस को आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है और उसके बाद में आपको इसका रिप्लाई कर देना है। तो इसको यहाँ पर आप खुद से पढ़ लेंगे, अगर हम आपको पढ़ के सुनाए तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। सिर्फ इसमें आपसे यही पूछा गया है कि आपको इस आईपी को आपने 10 दिन के बाद में क्यों रजिस्टर्ड किया है और उसका नाम आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर और उसका आईपी नंबर मिल जाएगा। इसके बाद में आपको जो इस फॉर्म को इस नोटिस के साथ में उस डिक्लेरेशन फॉर्म को जो सबमिट करना है वो आपको अपने आरओ और एसआरओ डिपार्टमेंट में सबमिट कर लेना है। यहाँ पर देखिए आपको देखने के लिए मिल रहा है ये जो आपको नोटिस इश्यू किया गया है वो असिस्टेंट डायरेक्टर के जरिए किया गया है। अब इसके बाद में क्या है कि अब हम चलते हैं, इस नोटिस को क्लोज कर देते हैं और उसके बाद में आप डिक्लेरेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप डिक्लेरेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे। यहां पर देखिए आपको डिक्लेरेशन फॉर्म का परफॉर्मा डाउनलोड हो चुका है। अब यहां पर देखिए आपको दो टैब मिलेगी, ए और बी देखने के लिए। अब इस फॉर्म में जो ए पार्ट है वो आपका रिलेटेड है आपके आईपी से रिलेटेड, यानी कि इंश्योर्ड पर्सन पर्टिकुलर जिस भी आईपी को आपने अपने यहाँ रजिस्टर्ड किया है उसमें आपको उसका इंश्योरेंस पर्टिकुलर देखने के लिए मिलेगा और दूसरे में आपको उसका इम्प्लॉयर्स पर्टिकुलर देखने के लिए मिल जाएगा। अब सबसे पहले टैब में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इंश्योरेंस नंबर देखने के लिए मिलेगा आपके आईपी का। उसके बाद में आपको नेम ब्लॉक लेटर्स में आपको डालना है अपने आईपी का और उसके बाद में उसका फादर्स नेम वहां पर सबमिट कर देना है। इसके बाद में आपको अपने आईपी की डेट ऑफ बर्थ, जहां पर आपको सबसे पहले डे मिलेगा, फिर मंथ, फिर ईयर, फिर उसका मैरिटल स्टेटस आपको डालना है कि मैरिड है, अनमैरिड है या विडो है। उसके बाद में उसका सेक्स मेल है या फीमेल है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए दो टैब आपको देखने के लिए मिलेगी, पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8, जिसमें आपको परमानेंट एड्रेस और पॉइंट नंबर 8 में आपको यहाँ पर प्रेजेंट, देखिए पॉइंट नंबर 7 में प्रेजेंट एड्रेस और पॉइंट नंबर 8 में आपको परमानेंट एड्रेस देखने के लिए मिलेगा। ये दोनों आपके डिफरेंस हो सकते हैं। ये डिफरेंट इसलिए हो सकते हैं क्योंकि जहां पर इम्प्लॉय यानी कि जो आपका इंश्योर्ड पर्सन था जिससे रिलेटेड आपको परफॉर्मा सबमिट करना है डिपार्टमेंट में, क्योंकि वे जहां पर जॉब करता है वे उसका प्रेजेंट एड्रेस हो सकता है, बट उसका परमानेंट एड्रेस वे हो सकता है जहां से वो बिलोंग करता है। तो यहां पर उसके दोनों एड्रेस अलग हो सकते हैं, आप विद पिन कोड उनको डाल देंगे। इसके बाद में एनी आईडी इश्यूड बाय गवर्नमेंट, अगर उसकी कोई आईडी इश्यू की गई है यानी कि इंश्योर्ड पर्सन का, यहां पर पैन नंबर डाला जाएगा या वोटर आईडी आप सबमिट कर सकते हैं। और पॉइंट नंबर 10 में उसकी बैंक डिटेल आपको सबमिट करनी पड़ेगी। अब आ जाइए पॉइंट बी पर, जहां पर इंप्लॉयर्स
से रिलेटेड आपको पर्टिकुलर देखने के लिए मिलेगा, एम्प्लॉयर्स का कोड नंबर यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट जहां पर इम्प्लॉयर के यहाँ जिस डेट में इम्प्लॉयर अपॉइंट किया है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ इम्प्लॉय आ जाएगा, ईमेल आईडी आ जाएगी इम्प्लॉयर की। इसके बाद में यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा इन केस ऑफ एनी प्रीवियस इम्प्लॉयमेंट। देखिए अगर इम्प्लॉय किसी प्रीवियस इम्प्लॉयर के यहाँ भी रजिस्टर्ड था ईएसआईसी में, तो यहाँ पर उसके फॉर्मर इम्प्लॉयर यानी कि जो भी पहला इम्प्लॉयर था पास्ट में जो उसका इम्प्लॉयर रहा है यहाँ पर उससे रिलेटेड उसकी डिटेल आ जाएगी। वहां पर उसका प्रीवियस इंश्योरेंस नंबर क्या रहा है, प्रीवियस इम्प्लॉयर्स कोड नंबर क्या था, नेम एंड एड्रेस ऑफ द प्रीवियस इम्प्लॉयर क्या था, ठीक है। उसके बाद में प्रीवियस इम्प्लॉयर की ईमेल आईडी आ जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर देखिए पॉइंट आपको सी देखने के लिए मिलता है, डिटेल्स ऑफ नॉमिनेशंस। देखिए आपने जब अपने आईपी को अपने ईएसआईसी में रजिस्टर्ड किया था तो आपने उसका नॉमिनेशंस भी किया होगा उसका आईपी जनरेट करते हुए, तो यहाँ पर नॉमिनेशंस में आप नॉमिनी का नेम लिखेंगे, रिलेशनशिप लिखेंगे कि ये आईपी से इसकी रिलेशन क्या है, फादर है या स्पाउस है, ठीक है। उसके बाद में नॉमिनेशंस में जिसमें जिसका आपने जिसको आपने नॉमिनी अपॉइंट किया है उसका एड्रेस आ जाएगा। फिर इसके बाद में पॉइंट डी आपको देखने के लिए मिलेगा, फैमिली पर्टिकुलर्स ऑफ इम्प्लॉय। देखिए जब आप अपने इम्प्लॉय का ईएसआईसी में रजिस्टर्ड करते हैं आईपी जनरेट करते हैं तो उसमें उसकी फैमिली का ब्योरा भी आपको सबमिट करना पड़ता है, तो यहाँ पर उसकी फैमिली से रिलेटेड सभी डिटेल डालनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए फैमिली मेंबर का नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, एज एज ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग फॉर्म यानी कि उस दिन जिस दिन आप ये फॉर्म फाइल कर रहे हैं उस दिन उसकी डेट क्या है, रिलेशनशिप विद इम्प्लॉय क्या है, वेदर रेसिडेंट हिम और विदाउट यानी कि ये जो आपने मेंबर यहाँ पर फैमिली मेंबर इंक्लूड किया है क्या ये आपके इंश्योर्ड पर्सन के साथ में रहता है या नहीं रहता है। इसी तरीके से अगली टाइम में आपको इफ नो स्टेट प्लेस ऑफ रेसिडेंट यहाँ पर उसका स्टेट प्लेस ऑफ रेसिडेंट आएगा, टाउन है स्टेट है। इसके बाद में मंथली इनकम उसकी कितनी है, डिसेबिलिटी अगर कोई ऐसी डिसेज है जिसमें वो डिसेबल है तो यहाँ पर आपको यस या नो में उसका आंसर देना है। उसके बाद में लास्ट जो टैब आपको देखने के लिए मिलती है वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स ऑफ एम्प्लॉय टू बी सबमिटेड विद द परफॉर्मर। देखिए ये जो परफॉर्मर हमने डाउनलोड किया है इसके साथ आईपी के कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच किए जाएंगे जो कि आपको एसआरओ डिपार्टमेंट में सेंड करने पड़ेंगे, उसमें सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स आपको अपॉइंटमेंट लेटर जो कि आपके एम्प्लॉयर से आपको मिल जाएगा। इसके बाद में आईडी इश्यूड बाय गवर्नमेंट अगर कोई गवर्नमेंटेड इश्यूड आईडी है जैसे पैन कार्ड वगैरह, सैलरी एंड वेजेस रिकॉर्ड आपको देना है यानी कि एम्प्लॉयर को सबमिट करना है, अटेंडेंस रिकॉर्ड यहाँ पर एम्प्लॉयर को सबमिट करना है इस फॉर्म के साथ में, डिटेल्स ऑफ एक्सीडेंट इफ एनी अगर कोई एक्सीडेंट उसका हो गया है तो उसकी डिटेल भी यहाँ पर आपको सबमिट करनी है यस या नो में, ठीक है। इसके बाद में आप यहाँ पर जो जो डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं वहां पर उसको यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो उसको नो कर दीजिए। इसके बाद में सबसे लास्ट में आपको मंथली कंट्रीब्यूशन डिटेल फॉर्म द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट यहाँ पर आपको देना है कि अगर आप मंथली कंट्रीब्यूशन डिटेल दे रहे हैं अगर आपने उसका जो मंथली कंट्रीब्यूशन किया है ईएसआईसी में आपको उसकी डिटेल भी उसके साथ में सबमिट करनी पड़ेगी विद ईएसआईसी चलान, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आपके एम्प्लॉयर का साइन आ जाएगा विद कॉमन सील यानी कि जिस कंपनी में आप एम्प्लॉय हैं जहां पर आपको इंश्योर्ड किया गया है एम्प्लॉयर ने उस कंपनी का आपको कॉमन सील के साथ में एम्प्लॉयर के सिग्नेचर यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे, और आप इस परफॉर्मा के साथ में इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके एसआरओ डिपार्टमेंट में सबमिट कर देंगे। तो ये शो कॉज नोटिस का कुछ इस तरीके से आप जवाब दे पाएंगे अगर आप अपने एम्प्लॉय को 10 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर्ड नहीं करते हैं उसके अपॉइंटमेंट के, और अगर आप उसके अपॉइंटमेंट के 10 दिन के बाद में अपने यहाँ ईएसआईसी में रजिस्टर्ड करते हैं तो तब आपको डिपार्टमेंट से शो कॉज नोटिस इश्यूड हो सकता है किसी भी पर्टिकुलर आईपी से रिलेटेड जिसको आपने 10 दिन के बाद में रजिस्टर्ड किया है। तो आपको इन सब चीजों को कंप्लायंस को विद इन ड्यू डेट कर लेना है यानी कि कोई भी नया एम्प्लॉय आपके यहाँ आता है तो और आपके एस्टेब्लिशमेंट पे ईएसआईसी एप्लीकेबल होता है तो उस केस में आपको विद इन 10 डेज अपने एम्प्लॉय को ईएसआईसी में रजिस्टर्ड कर लेना है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको अपने शो कॉज नोटिस का जवाब देना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिए, इंपॉर्टेंट लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और आप हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं जिसमें हम आपके ईएसआईसी से रिलेटेड सभी कंप्लायंस को एक नॉमिनल अमाउंट में सभी विद इन ड्यू डेट कंप्लीट कर देंगे। आप हमारी अगर पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं www.gstnation.com पर। तो चलिए फ्रेंड्स
फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए और इसी तरीके से आप हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।